facts and theories, किसी और के रिसर्च को वेरीफाई करना, एग्जिस्टिंग थ्योरीज एंड फैक्ट्स को क्या करना, वेरीफाई करना, उसके लिए भी आपको क्या करना होगा, रिसर्च। नेक्स्ट, टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, किसी भी टॉपिक में नॉलेज इंक्वायर करते टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसके लिए क्या करोगे, रिसर्च। सोसाइटी में कोई भी प्रॉब्लम अराइज हो गई है तो उसके लिए आप क्या करोगे, रिसर्च। इज इट क्लियर? लास्ट, टू गेट अ डिग्री, टू गेट अ डिग्री, इसको इग्नोर मत मारना। आपके सब्जेक्ट में ही दो बार क्वेश्चन आया था जिसमें कोर्स में ये भी ऑप्शन था। इज इट क्लियर? सो कीप इट इन माइंड, डिग्री हासिल करने के लिए भी हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। ये मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं रिसर्च के। क्लियर है? अब आप सब समझ जा रहे हो, आपको सभी में डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या पता चल रहा है, यू आर एक्वायरिंग नॉलेज। अब इस वर्ड को मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, इस वर्ड के ऊपर कई बार आपके पेपर वन में इन सब्जेक्ट में क्वेश्चंस आ चुके हैं। मतलब हमारा मेन मोटो क्या होता है, नॉलेज एक्वायर करना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रिसर्च किस तरीके से प्रोसेस होता है। रिसर्च इज ऑलवेज अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक प्रोसीजर। हम कभी भी हैपजार्डली नहीं करते कि लेट्स इमेजिन इसने स्टैटिस्टिक को चुना, तो स्टैटिस्टिक में आज इसने बोला कि चलो आज मैं सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ती हूँ, फिर उसने ऊपर ऊपर से देखा कि अरे ये तो मीन मोड मीडियन बता रहा है, इसमें क्या होगा, चलो छोड़ दो मैं सैम्पलिंग की तरफ बढ़ जाती हूँ, मुझे सैम्पलिंग के बारे में कुछ नहीं है।